दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक स्पीकर का वॉइस कॉइल, और यह जो स्पीकर का वॉइस कॉल है ये काफ़ी सस्ते दामों में बन करके तैयार हो जाएगा। और यह जो दोस्तों स्पीकर का वॉइस कॉल है, आप अपने 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच और 15 इंच स्पीकर के लिए बना सकते हैं। इस स्पीकर कॉइल की खास बात यह है कि ये प्योर कॉपर वायर से बनेगा स्पीकर वॉइस कॉइल, और इसका जो साउंड क्वालिटी होगा ट्रेबल भी काफ़ी अच्छा होगा, बेस भी काफ़ी अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों स्पीकर का वॉइस कॉइल बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैंने कितना वॉइस कॉल अभी इस टाइम पे बनाया है और कितने इंच के स्पीकर के लिए बनाया है। दोस्तों तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास कई टाइप के जो है वॉइस कॉल हैं जो कि होममेड है, और इस पर मैंने माइनस प्लस यानी प्लस माइनस भी यहाँ पर जो है लिखा हुआ है। और ये दो लेयर का जो सारे कॉपर वायर वॉइस कॉल है ये दो लेयर का है, और दोस्तों ये एपेक्स ब्रांड के जो है वॉइस कॉल है, इस पर मैंने लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास जो है पांच जो है वॉइस कॉल मैंने भी बनाया हुआ है, और पांचों के दोस्तों जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, ओरिजिनल प्योर कॉपर से जो है मैंने बनाया हुआ है। अब जो दोस्तों मैं आप लोगों को सबसे पहला जो है वॉइस कॉल दिखा रहा हूँ, ये 10 इंच के स्पीकर के लिए है। ये जो स्पीकर का जो है वॉइस कॉल देख रहे हैं ये 10 इंच स्पीकर के लिए है दोस्तों। 10 इंच की काफ़ी परफेक्ट जो है 4 ओम्स के है, और ये जो देख रहे हैं ये 8 इंच के स्पीकर के लिए है। क्योंकि फ्रेंड्स मैग्नेट क्वालिटी में भी यार बहुत डिफरेंस होता है, वाटेज में बहुत डिफरेंस होता है, तो देख सकते हैं ये जो है ये हमारा 8 इंच के स्पीकर के लिए दो लेयर का है, एपेक्स ब्रांड की प्लस माइनस जो है वॉइस कॉइल है। और वहाँ पर जो छोटे छोटे आप वॉइस कॉइल देख रहे हैं ये 6 इंच के स्पीकर के लिए वॉइस कॉइल है। इसमें जो छोटे वाले हैं दोस्तों ये 3, इसमें से जो है 8 इंच में भी लग जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मैग्नेट साइज में जो है बहुत डिफरेंस होता है। और ये जो दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों में क्वालिटी है, मैंने वाटेज देख करके बनाया है। दोस्तों कॉपर वायर भी इधर उधर हुआ है, मतलब कम ज़्यादा जो है, जो पहला वाला है वो तो उसमें कम लगा है और दूसरा में ज़्यादा लगा है, तो इससे दोस्तों हमारा वाटेज पर डिफरेंट जाएगा कि आप कितना वाट का बनाना चाहते हैं। तो इसी तरह से हम जो है स्पीकर की वॉइस कॉल बनाएंगे। और अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को फ्रेंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्पीकर का जो है वो दोस्तों वॉइस कॉल बनाने के लिए सबसे पहले हमें लगेगा 36 नंबर का एक कॉपर वायर, और ये पूरा कॉपर वायर मैंने 20 रुपये में जो है मोटर वाइंडिंग शॉप पर से ख़रीदा है दोस्तों, जहाँ पंखे बनते हैं। 36 नंबर का लगेगा दोस्तों। अगर आप लोग 5 से 12 इंच तक के बनाते हैं तो 36 नंबर का कॉपर वायर यूज़ करें दोस्तों। क्वालिटी दोस्तों होती है 36 इंच में, बढ़िया साउंड क्वालिटी मिलेगा, ट्रेबल मिलेगा, काफ़ी अच्छा 36 नंबर का जो है कॉपर वायर है, आपको 20 रुपये में जो है दोस्तों मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। और ये आप देख रहे हैं दोस्तों ये जो है ट्रांसफार्मर जो वाइंडिंग होता है, तो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का जो है पेपर है दोस्तों, ये भी आपको ले लेना है, वो तो फ्री में ही वो तो मिल जाएगा आपको दोस्तों, लेना हो तो 10 का ले लेना। और ये फेविकोल है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये हमें टेप की ज़रूरत पड़ने वाली है, और देख सकते हैं सीज़र है हमारे पास, और यहाँ पर स्केल है, और देखिए यहाँ पर दोस्तों जो गत्ता है ये कार्डबोर्ड, इसके ऊपर जो कवर लगा है हमें उसकी ज़रूरत है, तो उसको मैंने जो है ऊपर से ऐसे कट करके निकाला हुआ है, क्योंकि जो कॉइल होगा उसमें जो कलर हमें देना होगा, उसके लिए कलर दे देंगे, नहीं देना चाहे तो ना दें, बट कलर दे देंगे तो एकदम प्योर हो जाएगा कि भाई ख़रीदा हुआ है। ये दोस्तों देख सकते हैं ये इसको ऊपर जो है मैं लपेटूंगा, और यह जो स्पीकर का वॉइस कॉइल मैं बना रहा हूँ ये 12 इंच के स्पीकर का जो है वॉइस कॉइल है, क्योंकि मैंने बताया आप लोगों को दोस्तों मैग्नेट साइज में जो है बहुत डिफरेंट होता है, 12 इंच में छोटा मैग्नेट में भी स्पीकर आता है, 8 इंच में छोटा आता है, 6 इंच में छोटा आता है। तो दोस्तों ये जो मैं स्पीकर का वॉइस कॉल बना रहा हूँ, ये दोस्तों मेरे पास एक 12 इंच का स्पीकर जो है पड़ा हुआ था, तो मैं उसका बना रहा हूँ दोस्तों, एकदम प्योर मैग्नेट क्वालिटी हो। और इसमें प्लस माइनस कौन सा है, यहाँ पर देखिए मैंने वायर जो है ये रख दिया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने लगाया तो, और यहाँ पर टेप मारूंगा तो जो ये वाला वायर जो दोस्तों हमारे ऊपर जो है ऊपर साइड, तो ये हमारा जो एक वायर जो मैंने निकाला है ये नेगेटिव है दोस्तों, यानी नेगेटिव है फ्रेंड्स, नेगेटिव मतलब माइनस, माइनस टर्मिनल हमारा मिल चुका है। अब ऐसे जो है हम फुल जो है लपेटते जाएंगे। We'll be right back.
गाइस देखिए मैंने डबल ईयर भी कर लिया है और जो बाकी साइड बचा है उसको काट देना है, और अभी भी जो है इस पर फिल्ड को लगा हुआ है और इस पर प्लस माइनस लिख देना है। देखिए जो बाकी जो इधर उधर होगा उसको बराबर से एकदम अच्छे से काट लीजिए और ऐसे फैला लीजिए, क्योंकि दोस्तों इधर उधर हुआ होगा तो थोड़ा जो कॉपर वायर लगे हैं अच्छे से लगना चाहिए वैसे। और एक बात का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है दोस्तों कि कटिंग एकदम बराबर अच्छे से कीजिएगा। अब आप लोग जो है इस पर प्लस माइनस जो है आराम से इस पर लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। प्लस माइनस देखिए हमारा स्टार्टिंग वाला तो जब माइनस था और जो बगल वाला था दोस्तों हमारा प्लस था। इस तरह से दोस्तों अगर आप स्पीकर का वॉइस कॉल के एक बिजनेस करना चाहें तो कर सकते हैं, बट जब कीजिए तो आपको जो है मशीन की जरूरत पड़ेगा। तो ये जो टेक्निक था दोस्तों ये इसलिए था कि अगर आपके पास कोई भी 5 इंच 8 इंच 10 इंच 6 इंच 12 इंच 15 इंच के स्पीकर हों तो आप उसका वॉइस कॉइल बना सकें। दोस्तों स्पीकर की वॉइस कॉइल में जो है आप प्योर कॉपर की वायर लगा करके जो है वाइंडिंग करेंगे दोस्तों, कॉपर वायर भी एकदम सस्ता मिल जाएगा। जब कॉपर वायर प्योर रहेगा दोस्तों तो उसे साउंड क्वालिटी एकदम अच्छे से आएगी। आप मार्केट से लेंगे दोस्तों तो कंफर्म नहीं है कि वो कॉपर है कि नहीं, वैसे उसका जो वायर होता है ऊपर से हल्का सा जो है छील लीजिएगा, छील कर जो है हल्का सा देख लीजिएगा, समझ रहे हैं दोस्तों। आराम से जो है उसको इंसुलेटेड करना है वायर दोस्तों, इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है तो ऊपर से जो हल्का सा जब आप लोग छील लेंगे तो अच्छे से आपको जो है पता चल जाएगा कॉपर है या फिर अल्मोनियम है। तो गाइस इस वीडियो में यही, लेकिन जो मैंने नॉलेज दिया या कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।